अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुर्तजा खान और आप देख रहे हैं मुर्तजा स्टोरी। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, नागरिकता कानून NRC और NPR को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। देश का ऐसा कोई राज्य नहीं बचा जहां पर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं चल रहा हो। भारतीय जनता पार्टी साफ साफ कह रही है कि हम इसके पीछे यानी नागरिकता कानून को लेकर एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, पर प्रदर्शनकारी जो है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आंदोलनकारी है, वो भी एक कदम पीछे नहीं हट रहे। 1 महीने से यानी 40 से 42 दिन हो गए हैं प्रोटेस्ट चलते हुए, और इस दौरान प्रोटेस्ट के चलते दौरान कई जगहों पर पुलिस ने बहुत ज्यादा लाठी चार्ज भी करा। 20 से 25 लोगों की तो उत्तर प्रदेश में ही मौत बताई जा रही है, उनमें से 16 लोगों की तो पुष्टि भी हो गई है कि पुलिस की गोली लगने से उनकी जान गई है। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है नागरिकता कानून को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से। क्या है बड़ी खबर, मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस वीडियो को आप जरूर लाइक कर दिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों रामदास अठावले जो है केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, नागरिकता कानून पर, और उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करना चाहिए, क्योंकि देश का जो माहौल है वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। 40 से 42 दिन हो गए और ये माहौल जो बिगड़ता ही जा रहा है, और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, ये आगे ही बढ़ता जा रहा है। रामदास अठावले हैं और केंद्र सरकार में ही मंत्री हैं। दोस्तों उन्होंने केंद्र सरकार से अपील करी, अब देखना ही है कि केंद्र सरकार और अमित शाह और मोदी जी इस पर कुछ विचार करते हैं, इस पर कुछ बैठक बुलाते हैं, या कुछ इसमें कमी करते हैं, किसी को जोड़ते हैं किसी रिलीजन को, ये आने वाला टाइम बताएगा। चलिए दोस्तों आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सोचते हैं नागरिकता कानून को लेकर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या इसको खत्म कर देना चाहिए नहीं है, आपकी क्या राय, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अस्सलाम वालेकुम।